नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। सत्वायु आयुर्वेद में आज हम आपको बताएंगे सूर्य नमस्कार करने का सही तरीका। सूर्य नमस्कार हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा चिन्ह। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन सभी को ईश्वर मानते हुए, भगवान मानते हुए हमारे शास्त्रों में उन्हें नमस्कार करने की, उनकी पूजा करने की तो पद्धति है ही, परंतु सूर्य नमस्कार आसनों का एक ऐसा संग्रह है जिसको अगर आप करते हैं तो आपके शरीर की आधी से ज्यादा समस्याएं दूर हो जाती है। जैसे मशीनों में समय समय पर तेल डालने की और उनको स्मूथ करने की जरूरत रहती है, वैसे ही हमारे शरीर की सारी संधियों, अस्थियों और मांसपेशियों को भी बार बार चलाकर उन्हें स्मूथ करने की जरूरत रहती है, और यही कार्य करता है सूर्य नमस्कार। एक सूर्य नमस्कार भी आपके शरीर की लगभग हर बड़ी संधि में संकोच और विस्तार की प्रक्रिया यानी आकुंचन और प्रसारण की प्रक्रिया कराता है, जिसके कारण शरीर के सभी जोड़ों में जैसे ऑयलिंग करने से मशीन स्मूथ चलने लगती है, मशीन अच्छी तरीके से चलने लगती है, वैसे ही सूर्य नमस्कार जैसे आसन करने से आपके जोड़ यानी कि संधियां, अस्थियां, हड्डियां और मांसपेशियां भी अच्छी तरीके से काम करती रहती हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन किए जाते हैं। सूर्य की ओर मुख करके सुबह सुबह अगर ये आसन किए जाते हैं तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें जितने भी बैक बेंडिंग यानी कि पीठ को पीछे की तरफ मोड़ने के आसन है, उन सभी को श्वास लेते हुए किया जाता है, और जो सारे आसन आगे की तरफ मुड़ने के आसन है उन सभी को श्वास छोड़ते हुए किया जाता है। सबसे पहला नमस्कार आसन, जिसमें नमस्कार की मुद्रा में खड़े होते हैं सूर्य की ओर मुख करके और श्लोक पढ़ते हैं ओम मित्राय नमः। इसके बाद दूसरा आसन हस्तोत्तानासन, जिसमें अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाकर पीछे की तरफ शरीर को मोड़ते हैं। क्योंकि ये पीठ को पीछे की तरफ मोड़ने का आसन है, इसलिए इसमें श्वास लेते हुए इस आसन को करते हैं और साथ में श्लोक बोलते हैं ओम रवये नमः। तीसरा आसन है हस्तपादासन, जिसमें पैरों की उंगलियों को या पैरों के टखनों को यानी कि एड़ियों को हाथों से टच करते हैं। इस आसन में आगे की ओर झुकना है, इसलिए इसे श्वास छोड़ते हुए करते हैं। इस आसन को करते हुए श्लोक पढ़ते हैं ओम सूर्याय नमः। चौथा आसन अश्वसंचालन आसन, इसमें अपने एक पैर को आगे की तरफ ही रखते हुए दूसरे पैर को पीछे ले जाते हैं और अपने मेरुदंड को पीछे की तरफ मोड़ते हुए अपने सिर को ऊपर की तरफ करते हैं। साथ में श्लोक बोलते हैं ओम भानवे नमः। इसके बाद पांचवा आसन पर्वतासन, इसमें अपने दोनों हाथों की पोजीशन को चेंज ना करते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं और साथ में पर्वत की तरह आकार बनाते हुए आसन करते हैं, और साथ में इसमें श्लोक बोलते हैं ओम भानवे नमः। छठवां आसन सर्वांगासन, छठवें आसन में हाथों और पैरों की पोजीशन को, अवस्था को चेंज ना करते हुए शरीर को नीचे की तरफ लाते हैं, दोनों पैरों के अंगूठे, उसके बाद घुटने, दोनों हाथ और चिन यानी कि ठोड़ी, केवल यही 6 भाग जमीन को स्पर्श करते हैं और इस आसन के साथ श्लोक बोलते हैं ओम पूष्णे नमः। सातवां आसन भुजंगासन, भुजंगासन इसमें अपने दोनों पैरों के तलवों को फैला लेते हैं और साथ में अपने ऊर्ध्व शरीर को आगे की तरफ मोड़ते हैं, श्लोक बोलते हैं ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इसके बाद आठवां आसन करते हैं पर्वतासन, जैसे हमने पांचवां आसन किया था वैसे ही आठवां आसन करते हैं पर्वतासन, और साथ में इसमें श्लोक बोलते हैं ओम मरीचये नमः। नवां आसन अश्वसंचालन आसन, जैसे हमने चौथा आसन किया था उसी प्रकार से इस आसन को भी करते हैं और साथ में श्लोक पढ़ते हैं ओम आदित्याय नमः। दसवां आसन करते हैं हस्तपादासन, दोबारा से जैसा तीसरा आसन किया था वैसे ही करते हैं हस्तपादासन, साथ में इसमें श्लोक बोलते हैं ओम सावित्राय नमः। ग्यारहवां आसन है ऊर्ध्वहस्तासन, दूसरे आसन की तरह इसमें भी अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर पीछे की तरफ अपने शरीर को मोड़ते हैं
और साथ में श्लोक बोलते हैं ओम अर्काय नमः। इसके बाद अपने शरीर को स्थिर रखते हुए सीधे खड़े हो जाते हैं और 12वां आसन करते हैं नमस्कार आसन। नमस्कार आसन के साथ बोलते हैं ओम भास्कराय नमः और अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है, इसे एक कंप्लीट एक्सरसाइज कहा जाता है क्योंकि इसमें कमर को आगे की तरफ मोड़ना, पीछे की तरफ मोड़ना, एड़ियों, घुटनों, हाथों, कोहनियों सबको आगे और पीछे दोनों की तरफ मोड़ते हुए सभी जोड़ों का आकुंचन और प्रसारण किया जाता है। लगभग सारी पेशियां इस पूर्ण व्यायाम को करने में कार्य करती हैं। इसलिए अगर सूर्य नमस्कार आप कम से कम 12 बार रोज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। अपने शरीर की शक्ति और आवश्यकता के अनुसार आप इसे 108 बार तक भी कर सकते हैं, पर कोई भी व्यायाम उतना ही करना चाहिए जितना कि हमारे शरीर की शक्ति का आधा हो और शास्त्रों के अनुसार हमें इतना ही व्यायाम करना चाहिए। इसके साथ अगर आप प्राणायाम करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम और ध्यान करते हैं, ओमकार करते हैं, तो आपके शरीर की आधी से ज्यादा समस्याएं यूं ही खत्म हो जाती हैं। इसलिए रोज सूर्य नमस्कार करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।